हाँ तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास को जानने क्रम में हमने पिछले वीडियो में पुरातात्विक स्रोतों को देखा था, और आज हम देखेंगे साहित्यिक स्रोतों को। तो अब हम शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। हम सबसे पहले देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत तो शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान, लगभग 2500 ईसा पूर्व भी था। हम देखते भारतीय लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व भी था, परंतु हमारी पांडुलिपियां चौथी सदी से पहले की नहीं है। तो हम देखते हैं हमारी पांडुलिपियां, यहां देखते हैं हम ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं है, ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं। हम देखते हैं भारतीयों को लिपि का ज्ञान साहित्य स्तर, हम देखते हैं कि भारतीय लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व भी था, परंतु हमारी पांडुलिपियां ईसा की चौथी सदी की पहले की नहीं है। और ये हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुई है, जो लिपियां हमारे पास चौथी सदी की वो भी हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में लिपियां भोजपत्रों, ताड़पत्रों, भारत में लिपियां भोजपत्रों, ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों, पत्थरों आदि पर लिखी जाती थी। भारत में लिखे भोजपत्रों, ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों, पत्थरों आदि पर लिखी जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य एशिया में जहां मध्य एशिया में जहां प्राकृत भाषा फैल गई थी, मध्य एशिया में जहां प्राकृत भाषा फैल गई थी वहीं भारतवर्ष में हमें पांडुलिपियां देखने को मिलती है। जहां मध्य एशिया भारत में लिपि भोजपत्रों, ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों, पत्रों आदि पर लिखी जाती थी, वहीं यहाँ मध्य एशिया में जहां प्राकृत भाषा फैल गई थी भारत में हमें पांडुलिपियां देखने को मिलती है। संपूर्ण भारत में अधिकतर पांडुलिपियां संपूर्ण भारत में अधिकतर पांडुलिपियां संपूर्ण भारत में अधिकतर पांडुलिपियां दक्षिण भारत एवं कश्मीर में ज्यादा पाई गई है।
संपूर्ण भारत में अधिकतर पांडुलिपियां दक्षिण भारत और कश्मीर में ज्यादा पाई गई हैं, और हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण आदि देखने को मिलते हैं। तो हिंदुओं के साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण आदि देखने को मिलते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण आदि मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद को 1500 से एक हजार ऋषि पूर्व का माना जाता है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ऋषि पूर्व का माना जाता है। साथ ही यजुर्वेद, अथर्ववेद, एवं सामवेद को एक हजार से 500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। तो यहां हम देखते हैं ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। साथ ही यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद को 1000 से 500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। धर्म और धर्मेतर साहित्य विविध कालखंडों के ऐसे साहित्य हैं जो इतिहास पर स्फूर्त प्रकाश डालते हैं। धर्म और धर्मेतर साहित्य इतिहास के ऐसे कालखंड हैं जो इतिहास पर स्फूर्त प्रकाश डालते हैं, या सीधा कह सकते हैं त्वरित प्रकाश डालते हैं। धर्म और धर्मेतर साहित्य ऐसे कालखंड जो इतिहास पर स्फूर्त प्रकाश डालते हैं किसी युग में साहित्य में उल्लिखित वनस्पति हम देखते हैं किसी युग साहित्य में उल्लिखित वनस्पति और वहां के जंगल, नदियां, पहाड़, जलवायु जैसे कारक वहां की संस्कृति एवं सभ्यता को जानने में हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं धर्म एवं धर्मेतर साहित्य इतिहास के ऐसे कालखंड है जो इतिहास पर स्फूर्त प्रकाश डालते हैं। किसी युग में साहित्य और उल्लिखित वनस्पति, पर्वत, पठार, जंगलों आदि की उपस्थिति इनसे हमें पता चलता है कि उनकी भौगोलिक पक्ष, साहित्यिक एवं सभ्यता कैसी थी। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को देखिए। मान लो यदि हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो यहाँ पर कृषि का वर्णन हमें कम मिलता है। हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो कृषि का वर्णन कम मिलता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सभ्यता कृषि प्रधान नहीं थी।
हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो इसमें कृषि का वर्णन नहीं मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान नहीं थी एवं इस सभ्यता में हमें गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे पालतू जानवरों का वर्णन मिलता है। स्पष्ट करता है हम देखते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं थी। गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे पालतू जानवरों का वर्णन स्पष्ट करता है कि सभ्यता पशुपालक सभ्यता थी। हम देखते हैं इसमें हमें पता चलता है कि सभ्यता पशुपालक सभ्यता थी। ठीक है, धर्म एवं धर्म संहिता के ऐसे कालखंड है दादू। हाँ, तो यहाँ तक हमने देखा है कि एक सामान्य जानकारी थी। इसके बाद साहित्य में जो मुख्य भूमिका है साहित्यिक स्रोतों की वो हम आगे देखेंगे। तब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में था, परंतु हमारी पांडुलिपियां इस ईसा की 34 सदी के पहले की नहीं है, हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में लिपि भोजपत्रों ताड़पत्रों ताम्रपत्रों पत्थरों आदि पर लिखी हुई पाई जाती है। मध्य एशिया में जहाँ प्राकृत भाषा की फैल गई थी वहीं हमें भारतवर्ष में हमें पांडुलिपियां देखने को मिलती है। संपूर्ण मध्य एशिया में जहाँ प्राकृत भाषा फैल गई थी वहीं हमें भारतवर्ष में पांडुलिपियां देखने को मिलती है। संपूर्ण भारत में अधिकतर पांडुलिपियां हम दक्षिण भारत और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में देखते हैं, परंतु उत्तरी एक तो दक्षिण भारत एवं उत्तर में कश्मीर एवं ऐसे क्षेत्रों में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में रामायण महाभारत पुराण आदि को हम शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का माना गया जाता है, इसको भी हम हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में मान सकते हैं। साथ ही यजुर्वेद अथर्वेद एवं सामवेद को 1000 से 500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, ये चारों वेद हो गए। उसके बाद हम देखते हैं धर्म एवं धर्मेतर साहित्य इतिहास के ऐसे कालखंड हैं जो इतिहास पर स्फुट प्रकाश डालते हैं, मतलब त्वरित प्रभाव डालते हैं। किस युग के साहित्य में उल्लिखित वनस्पति जंगल नदियां पहाड़ जलवायु जैसे कारक वहाँ की भौगोलिक आर्थिक एवं वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता को जानने में हमारी संपूर्ण सहायता करते हैं। उसके बाद देखते हैं यदि हम हड़प्पा सभ्यता को देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो कृषि का वर्णन वहां में कम मिलता है, जिसे हमें पता चलता है कि सभ्यता कृषि प्रधान नहीं थी एवं यहाँ पर गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे पालतू जानवरों का वर्णन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सभ्यता कृषि प्रधान नहीं होकर पशुपालक सभ्यता थी। एवं इसके आगे का जो मुख्य पॉइंट है मुख्य है साहित्य में मुख्य भूमिका जो है वो हम साहित्य स्रोतों की मुख्य भूमिका इतिहास में जो है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे।